हेलो एवरीवन, दिस इज निताशा चतुर्वेदी एंड वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग 247। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरबी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर अवेयरनेस वहां पर एक मेन रोल प्ले करता है, 40 मार्क्स का आता है। तो ये क्लासेस हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए है। जो भी लोग आरबी पीओ मेंस की या फिर आईबीपीएस मेंस की, आईबीपीएस क्लर्क या फिर उससे रिलेटेड एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी जिनका एग्जाम रिसेंट आरआरबी पीओ मेंस का होने वाला है, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि 40+ मार्क्स का आपको पता है कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, सो 40+ मार्क्स अपने आप में मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। 10 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लास्ट वीडियो का लिंक है, देख लीजिए। साथ ही आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक इन डिटेल समझना है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। मैंने काफी सारा इन डिटेल में, बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कराई है, तो बहुत सारे टॉपिक इन डिटेल में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप वहां से जाके देखेंगे तो आपके लिए आई होप सो कि रिलीवेंट होगा और हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 से, कि पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। 11 क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। तो जो जावा होती है वो किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप याद रखिएगा। अगर जावा की बात की जाए, अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जावा किस तरीके की प्रोग्रामिंग है, हाई लेवल है, लो लेवल है, तो जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट अदर रीड एंड रेस्पॉन्ड। यानी एक ऐसी वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है जहां पर कोई किसी की स्टेटमेंट को रीड करता है और जो दूसरे लोग होते हैं वो उसको रेस्पॉन्ड करते हैं और रीड करते हैं। जैसे मैंने इंटरनेट पर या वेब टेक्नोलॉजी पर कोई भी एक स्टेटमेंट दिया, कोई भी एक स्टेटमेंट टाइप किया, तो आप लोग उसको पढ़ भी रहे हो और रेस्पॉन्ड भी दे रहे हो, अपने अपने रेस्पॉन्ड दे रहे हो, जिसको जो समझ में आ रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉग एक ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसी वेब टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट है जिसमें कि हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो लोग उसको पढ़ भी रहे हैं और अपना अपना रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्लॉग। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि नाबार्ड के मेंस एग्जाम में आ चुका है, कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नाबार्ड में एग्जाम में आ चुका है। बेसिकली ये सारे वही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आपके आ चुके हैं, चाहे वो आरबीआई का एग्जाम हो, नाबार्ड का हो, एसबीआई का हो, बैंक पीओ का हो, आईबीपीएस का हो, आरआरबी का हो। यानी ये सारे वही क्वेश्चन है जो प्रीवियसली किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आने के चांसेस अच्छे खासे बनते हैं अपने आप में, और आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे कि सभी ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, 500+ क्वेश्चन। तो अब मेरे को ऐसे सारे याद नहीं है कि कौन सा किस एग्जाम में आया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 2 बार किसी ना किसी एग्जाम में, एक बार नाबार्ड में आया था मुझे अच्छे से याद है, और एक बार किसी और एग्जाम में भी ये रिपीट हो चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या होता है, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बट क्वेश्चंस वही होते हैं। अब आपको ये बोल दिया जाएगा कि अ पर्सन था जो वेब टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो उसमें आपको बोला जाएगा अ पर्सन हुज नेम इज, सपोज कोई भी नेम है, किसी का नाम लिख दिया जाए, तो वो पर्सन है कोई, उसका नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि वो वेब टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां पर एक पर्सन है जो कि अपना एक स्टेटमेंट दे रहा है और लोग उसको, या फिर लोग की जगह किसी दूसरे 2-3 पर्सन के नेम दे दिए जाएंगे कि सपोज सीता, रीता, रवि, श्याम, ये सारे लोग उसको रेस्पॉन्ड दे रहे हैं और ये उसकी स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? ब्लॉग। तो ऐसा कुछ घुमा फिरा के ही पूछा जाएगा, बट मतलब क्वेश्चन वही होता है, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के दे दी जाएगी, तो आपको बस उसका मतलब समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, कॉमन मीडियम यूज थाइव्स टू स्टील अदर्स आइडेंटिटी। किसी दूसरे की आइडेंटिटी को चोरी करना सबसे कॉमन मीडियम क्या है? कि उसका टेलीफोन पता कर लेना? नहीं, टेलीफोन पता करना इतना इजी नहीं है। पिक पॉकेटिंग, उसकी उसकी जेब जेब मतलब कहते हैं ना, जेब मारना, तो लाइक जेब चोरी करना
किसी की इमारत में बिना परमिशन के घुस जाना है, बल्गरी, बल्गेरी और ईमेल। तो बेसिकली हम यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करेंगे, कंप्यूटर का पेपर है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर एक कॉमन टर्म लगाए तो यहाँ पर ईमेल कंप्यूटर टर्म है पहला। दूसरा, किसी का भी ईमेल पता करना बहुत इजी है और ईमेल से हम उसकी इंफॉर्मेशन निकालना काफी इजी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? यूज टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो रहा है। दूसरा, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। तीसरा होगा, दूसरा ऑप्शन है कि इज डिजाइन टू हेल्प अ प्रोग्राम, प्रोग्राम की हेल्प के लिए डिजाइन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर अ कंप्यूटर यूजर, सही बात है कि स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है इज यूज टू मेकिंग डिजाइन ओनली, सिर्फ डिजाइन पर्पज के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पर कुछ जगह तीन तरीके के बोले गए हैं। फर्स्ट वन इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब तीनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, आप याद कर लो कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, हमारे सिस्टम यानी हमारे सिस्टम का मेन पार्ट है, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप वर्क नहीं करेगा। जैसे आप अपने कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो ओएस, जैसे विंडो 7 है, विंडो 11 है, मैक ओएस है, या आपका मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड है बेसिकली वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम मोबाइल वर्क नहीं करता। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे स्पेसिफिक प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करता है। जैसे आप लोग अगर एक्सेल शीट बनानी है तो आप एमएस एक्सेल का यूज कर रहे हो, आपको यूट्यूब देखना है, वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब का यूज कर रहे हो, आपको किसी से चैट करनी है व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो, स्नैपचैट का यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको सॉन्ग सुनने हैं तो आप सॉन्ग्स के लिए आप लोग किसी भी सॉन्ग एमएस प्लेयर या किसी भी आप ऑडियो उसका ऑडियो या वीडियो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करो। बेसिकली जो हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में जो एप्स होते हैं, ऐप जिसे हम शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, AWP ऐप, वही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, उसके अलावा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल या फिर टैली, जो पर्टिकुलर परफॉर्म किए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस वजह से ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, यानी हमारे कंप्यूटर में सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली क्या बोलते हैं ये बोल रहा है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर में बोल रहे हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो बेसिकली आप याद रखना कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये आ जाए कि सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, तो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर, क्लियर। तो अगर बात की जाए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज मतलब बहुत सारी जब इंस्ट्रक्शंस आपस में कंबाइन होते हैं या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाए तो आपको ये क्या याद रखना है, प्रोग्राम। यही क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि सेट ऑफ प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, तो आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर, इज इट ओके। तो यहां पर इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अ ब्लैंक इज एन एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म, तो एनीथिंग जिसकी वजह से हार्म हो जाता है, इसमें से ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो जो वर्नेबिलिटी है उसकी वजह से, रिडंडेंसी, स्पैम की वजह से, थ्रेट की वजह से, बेसिकली ये सारे ही हार्म के ही ऑप्शन है कि वर्नेबिलिटी आ जाती है, रिडंडेंसी हो जाती है, स्पैम आ जाता है, स्पैम और थ्रेट हो जाता है। लेकिन बेसिकली जो कॉज हार्म का जो कॉज है वो क्या है, थ्रेट। कोई भी थ्रेट आ जाता है अगर हमारे सिस्टम के अंदर, तो हमारा क्या आ जाता है, थ्रेट की वजह से वायरस आ जाते हैं, हमारे सिस्टम में हार्म हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, थ्रेट। अ थ्रेट इज एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म, एक थ्रेट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हार्म आ जाता है, तो उसको हम थ्रेट बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ब्लैंक
ए ब्लैंक इज अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ऑफ अ जीआईएफ इमेज. जो जीआईएफ इमेज होती है, ग्राफिक इमेज फॉर्मेट, जो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ये एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो एम्बेडेड होता है जीआईएफ इमेज में. तो क्या होता है जीआईएफ इमेज में, बेसिकली ये पूछ रहा है. तो जीआईएफ इमेज में एम्बेडेड क्या होता है? वेब बग होता है, कुकीज होती है, स्पाइवेयर एप्लीकेशन होता है, स्पैम होता है. तो बेसिकली जो जीआईएफ इमेज होता है वो स्मॉल क्या होता है? स्मॉल होता है वेब बग. क्या होता है? वेब बग. तो जो हमारा वेब बग होता है, अ वेब बग इज अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड अ जीआईएफ इमेज. तो जो जीआईएफ इमेज के अंदर हमारा छोटा सा क्या हो जाता है? वेब बग हो जाता है. नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि एक जीआईएफ इमेज में हमारा क्या हो सकता है, जीआईएफ इमेज के अंदर एक स्मॉल प्रोग्राम क्या हो सकता है. मतलब वो एक इस तरीके के साइंस में बताना है कि हमारे कंप्यूटर को हार्म करे. जैसे हमने कोई भी, हमारी जीआईएफ इमेज है, जीआईएफ इमेज क्या है? कोई मूवमेंट करती हुई इमेज को हम जीआईएफ इमेज बोलते हैं. जैसे ग्राफिक, जैसे हमारी कोई भी पिक्चर है वो थोड़ा मूवमेंट कर रही है, अगर हम उस पर भी क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम में कोई ना कोई वायरस आ रहा है. तो बेसिकली ये क्या है? वेब बग ही तो है. ये क्या है? वेब बग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं. मतलब ये सारा इसी सेंस में बताना है, जैसे स्पाइवेयर एप्लीकेशन है, कुकी है, स्पैम है, तो ये वेब बग है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं. व्हेन यू सेव अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट, व्हाट विल फॉर्मेट डू यू हैव डू यू यूज. यानी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो जो उसका फाइल फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट उसका क्या होगा, ये बोल रहा है. तो जो उसका फाइल फॉर्मेट होगा वो होता है, आप याद रखना, ADP. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है ATP, .ADP, .ADP माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट का फाइल फॉर्मेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर स्पेस होगा, सेलेक्ट अ, टू सेलेक्ट अ कॉलम द इजिएस्ट मेथड इज टू. कॉलम को सेलेक्ट करने का जो इजिएस्ट मेथड है वो क्या होता है, वो कौन सा होता है? पहला है डबल क्लिक द एनी सेल इन द कॉलम, किसी भी सेल के कॉलम पर डबल क्लिक कर दो. दूसरा है ड्रैग द टॉप सेल इन अ कॉलम टू द लास्ट सेल ऑफ द कॉलम, उसको ड्रैग कर दो इस तरीके से, यानी फर्स्ट वाले से लास्ट वाले तक उसको ड्रैग कर दो. तीसरा है क्लिक द कॉलम हेडिंग, उसकी कॉलम हेडिंग पे क्लिक कर दो, क्लिक द रो हेडिंग या नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर बोल रहा है सेलेक्ट अ कॉलम इजिएस्ट मेथड. पहली बार तो सबसे पहले कॉलम को, अब एक दो बार क्लिक करने में ज्यादा समय लगेगा या एक बार क्लिक करने पर? एक बार क्लिक करने पर. और कॉलम पर क्लिक करते ही हमें कॉलम की हेडिंग मिल जाती है, सिंपल. तो पहला हमें कॉलम के बारे में बात कर रहा है, ड्रैग करना, डबल क्लिक करना, हमें सिंपल कॉलम को क्लिक करना है, हमारा कॉलम आ जाएगा, सिंपल. तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सबसे इजिएस्ट जो मेथड हो गया. अगला बोल रहा है 30,000 bytes इक्वल टू. तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 1 byte होता है, 1 byte इज इक्वल टू 8 bits होता है. ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर की सबसे जो छोटी यूनिट होती है डेटा स्टोरेज की, वो होती है बिट. तो वन, फिर उसके बाद होती है निबल, और उसके बाद होती है बाइट. तो यहाँ पर बात हो रही है 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, उसके अलावा 1 byte इज इक्वल टू 8 bit, और फिर बिट्स बाइट से बड़ा होता है केबी, केबी से बड़ा होता है एमबी, एमबी से बड़ा होता है जीबी, और जीबी से बड़ा होता है टीबी. इस तरीके से हमारे चलते जाते हैं. अगर हम बात करें 1 KB इज इक्वल टू, तो 1 KB इज इक्वल टू होता है 1084 हमारी बाइट्स. ठीक है, अब यहां पर हमसे बाइट्स के रूप में पूछ रहा है कि जो बाइट्स हैं, यानी 30,000 जो बाइट्स हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगी, 30,000 bytes जो हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगी. तो यहाँ पे 1000 की मतलब, अगर मैं इसको 1000, अगर मैं यहाँ पर सिंपल 8424 हटा दूं, मैं यहाँ पे 1 KB बराबर अगर मैं ये कर दूं और अप्रोक्स 1000 bytes लिख दूं, ठीक है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं इसमें 30 का मल्टीप्लीकेशन करूं, 30 KB बराबर 30,000 bytes आ जाएगा. ठीक है, तो यहां पर 30 KB, 1 KB बराबर 1000 bytes, तो 30 KB बराबर 30,000 byte, तो 30,000. ठीक है, अगर MB बोला जा रहा है तो MB, क्योंकि 1 MB बराबर होता है
ऑलमोस्ट 1000 KB, ठीक है। और अगर इसको भी हम बाइट्स में देखें तो ये हो जाएगा 1000 × 1000 फिर बाइट्स, ठीक है। अगर फिर जीबी देखें तो 1 GB बराबर होता है 1 MB, और 1 MB में क्या होता है 1000 KB, फिर मल्टीप्लीकेशन 1000 बाइट्स, इस तरीके का आपको 3 चार बार करना पड़ेगा। तो यहां पर सिंपल सा है, ठीक है। तो 1000 बाइट्स बराबर 1 KB, तो 30000 बाइट्स बराबर 30 KB, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, टर्मिनल इज अ, टर्मिनल क्या होता है? तो डिवाइस टू गिव अ पावर सप्लाई, नहीं, पावर सप्लाई से रिलेटेड नहीं होता। दूसरा, पॉइंट एट विच डेटा एंटर्स और लीव्स द कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि टर्मिनल पॉइंट एट विच डेटा एंटर्स और लीव द कंप्यूटर। सही बात है कि पॉइंट होते हैं जहां पे डेटा एंटर करता है और लीव करता है, तो वो पॉइंट्स होते हैं। सही बात है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कैन नॉट बी टच, कंप्यूटर के किस पार्ट को हम टच नहीं कर सकते हैं? पहला, माउस को हम देखो टच कर सकते हैं, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखो यहाँ पर बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ही डेफिनेशन बोल दी गई कि हार्डवेयर को हम ऐसी डिवाइसेस जिसे हम टच कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर जैसे माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये सारे ऐसे ऐसे कंप्यूटर में ऐसे पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या टेली को टच कर सकते हो, व्हाट्सएप फेसबुक को टच कर सकते हो? नहीं। तो ये दिस इज अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को हम कैन नॉट बी टच, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ अ डेटा इज कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो कंप्यूटर की जो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बूटिंग बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं, या क्लीन डिस्क बोलते हैं। तो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग को हम मैनिपुलेशन ऑफ अ डेटा बोलते हैं, और फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है कि हम पूरी की पूरी डिस्क को, जितने डिस्क के अंदर जितना भी डेटा है उन सबको इरेज कर रहे हैं, वो भी हमारा फॉर्मेटिंग में आता है। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, विच कंप्यूटर बस कनेक्ट द मेन मेमोरी टू टू द मेमोरी कंट्रोलर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कौन सी बस कंप्यूटर में मेन मेमोरी से हमारे मेमोरी कंट्रोलर तक कनेक्ट होती है कंप्यूटर सिस्टम में? तो कौन सी बस होती है? डेटा बस, मेमोरी बस, इनपुट आउटपुट बस, बोथ बी एंड सी, या नन ऑफ दीस? तो देखो यहां पर हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी से, तो मेमोरी से हमारे मेमोरी कंट्रोलर तक, तो मेमोरी से मेमोरी कंट्रोलर तक कौन सी बस करी होगी कनेक्ट होगी? मेमोरी बस, कल मैंने बताया था बस के बारे में कि बस क्या होता है, हमारा कनेक्शन, जो कंप्यूटर में वायर होते हैं ना, मतलब जहां पे जो कनेक्शन होते हैं उसको हम बस बोलते हैं। तो मेन मेमोरी से हमारे मेमोरी कंट्रोलर तक कौन सी बस कनेक्ट होती है? मेमोरी बस, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, आर द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी होती है यहाँ पर? रैम एंड सीपीयू, रोम एंड सीपीयू, रैम एंड रोम, रैम एंड बायोस, बायोस एंड रोम, मतलब हमारे कंप्यूटर की दो टाइप्स की मेमोरी बतानी है कौन सी होती है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारी कंप्यूटर की जो दो टाइप्स की मेमोरी होती है वो होती है हमारी यहाँ पे रैम और रोम। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है दो तरीके की, वो होती है रैम और रोम, ठीक है। सीपीयू की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सीपीयू ऑप्शन है, बायोस ऑप्शन है, हम रैम और रोम की बात कर रहे हैं, दो तरीके की, इनमें से ऑप्शन में से कौन सी कंप्यूटर की दो तरीके की मेमोरी है? तो रैम और रोम, ऑप्शन नंबर सी। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी, सीआरटी की फुल फॉर्म बतानी है, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीआरटी की जो फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड। तो देखो यहाँ पे मदरबोर्ड हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क ड्राइव हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? मदरबोर्ड हमारा हार्डवेयर है,
सीपीयू हमारा हार्डवेयर है, रैम हार्डवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से बोल रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इन कंप्यूटिंग इज ए इज अ डायरेक्टिव टू कंप्यूटर प्रोग्राम ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी स्पेसिफिक टास्क को कंप्यूटर में जो परफॉर्म कर रहा है वो बेसिकली क्या है ये बोल रहा है। तो कंप्यूटर में जो स्पेसिफिक टास्क को जो डायरेक्टिव परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, हार्ड बूट है नहीं, हाइबरनेशन है नहीं, वार्म बूट है नहीं, कमांड क्या होती है, कमांड मतलब हम कंप्यूटर में कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कमांड ही तो देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर मॉडिफायर कीज ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मॉडिफायर कीज होती है जिसको प्रेस करने से कुछ ना कुछ चीजें मॉडिफाई हो जाती हैं, वो कौन सी होती हैं? तो देखो अगर हम जैसे कंट्रोल को प्रेस करते हैं, कंट्रोल को किसी भी की के साथ प्रेस करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस वी तो हमारा पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं कुछ ना कुछ, ऑल्ट के साथ, तो ये सारी हमारी ए बी सी ये सब क्या है, ये हमारी सारी मॉडिफायर्स की बोली जाती है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये सारी, तो ऑप्शन नंबर ई यानी ऑल ऑफ दी एवर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ एसोसिएटेड विद इंटरनेट ईमेल, तो इसमें से कौन सा इंटरनेट ईमेल को एसोसिएट करता है, तो इनबॉक्स, सर्वर, ट्रैश, ड्रॉपबॉक्स या फिर वन ड्राइव, तो इसमें से कौन सा हमारे मतलब हम इंटरनेट के मेल को किसके थ्री एसोसिएट करते हैं, यानी किसके थ्रू हम भेजते हैं, इनबॉक्स में ही तो हमारे मेल आ जाते हैं, तो इनबॉक्स पहला, ठीक है। दूसरा ट्रैश, सर्वर, ड्रॉपबॉक्स, ये इंटरनेट मेल की बात नहीं हो रही, इंटरनेट मेल से हमारा रिलेटेड इनबॉक्स कर रहा है, तो डायरेक्ट भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज कर्सर, तो कर्सर जो है वो क्या है, इट इज एन इंडिकेटर, दूसरा ऑप्शन है इट शोज द पोजिशन ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, तीसरा है कर्सर इज अ लेटिंग फॉर रनर, ऑप्शन डी है बोथ वन एंड टू और ऑल ऑफ द एवर, तो हमको ये बताना है इसमें कर्सर के बारे में, तो कर्सर हमारा क्या है, तो देखो कर्सर क्या है, इंडिकेटर है, कर्सर पे प्रेस करके हम इंडिकेट मतलब उस पर क्लिक हो जाते हैं, उस पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी उस पर क्लिक हो जाते हैं, जैसे मैंने इस पर कर्सर रखा तो ये इंडिकेट हो गया। दूसरा है इट शोज द पोजीशन ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर की पोजीशन को शो कर देता है, सही बात है। तीसरा है कर्सर इज लेटिंग फॉर रनर, तो कर्सर लैटिन भाषा में रनर का मतलब होता है, सही बात है, तो ऑप्शन सारे ही सही, यानी बोथ वन एंड टू भी है, सी भी है, यानी ऑल ऑफ दी एवर, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लेजिटिमेट टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, इसमें से कौन सा लेजिटिमेट कंप्यूटर वायरस टाइप का नहीं है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो बूट वायरस होता है, फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है जो फाइल को इन्फेक्ट करता है, रेजिडेंट वायरस होता है, ठीक है, उसके अलावा हैंगआउट जो है, हैंगआउट वायरस होता है, आप बताइए होता है या नहीं, तो नहीं होता, हैंगआउट वायरस कोई भी नहीं होता। तीसरा मैक्रो वायरस, माइक्रो वायरस भी होते हैं, मैक्रो वायरस भी होते हैं, तो ये सारे वायरस होते हैं, बट ऑप्शन नंबर डी हैंगआउट वायरस नहीं होता कंप्यूटर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अभी मैंने ये जो क्वेश्चन कराया था लास्ट की 30 KB कितना होता है, तो ये क्वेश्चन वापस से देखो एक और बार, किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, 30,000 बाइट्स के बराबर होता है, तो अगर मैं 1,000 बाइट्स बोलूं तो 1,000 बाइट्स मतलब 1 KB, तो 30,000 बाइट मतलब 30 KB, तो ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है किसी दो एग्जाम में आया हो, तो इस वजह से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने वैसे ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हो जाएंगे, फिर भी मैं ध्यान रखूंगी कि कोई क्वेश्चन एक बार कराऊं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन हो जाए। तो देखो आज हम लोगों ने कल से ज्यादा क्वेश्चन करे हैं, पर मैं होपफुली कि आपके लिए जल्दी से जल्दी और ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊं, तो आप लोग जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे मेरे को उतनी ज्यादा मेहनत करने में आसानी होगी आप लोगों के लिए, उतने ज्यादा मैं इजीली एफर्ट कर पाऊंगी। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चैनल को प्रमोट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और RRB PO मेंस का ये टारगेट बैच है, जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर में कोई भी डाउट है मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने वाली हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। अब की बार में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्जाम से पहले मुझे 500 क्वेश्चन कराने हैं, मेरे पास सिर्फ 10 से 15 दिन है, और 10 से 15 दिन के अंदर मुझे 500 प्लस क्वेश्चन कराने हैं। सो ऑलमोस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट, होपफुली हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।